नमस्कार, सुमरेंद्र आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर। दंतेवाड़ा में आज एक बार फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की महिलाएं जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए लामबंद हो गई हैं। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शासकीय कर्मचारी घोषित करने, नर्सरी शिक्षक के पद पर पदोन्नति जैसे 6 सूत्री मांगों को लेकर के धरने पर बैठ गई हैं। आपको बता दें कि पहले भी कई बार अपनी मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ ने मांगे पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। शुरू से हमारा जो मांग है आज तक अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमारी मुख्य जो मांगे हैं, हमारी 6 मांगे हैं, प्रमुख मांगे। सबसे पहला हमारा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, है ना। और उसके बाद है हमारा, उसी में ही हमें जो नर्सरी वाला है स्कूल में नर्सरी के पद में उन्हीं कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नर्सरी पद में मतलब पदोन्नत किया जाए, टीचर वाला दर्जा दिया जाए। भिंड के जिला अस्पताल में मरीज को दिखाने आए परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि इलाज कराने आए मरीज ने डॉक्टर के साथ अभद्रता की और अपना सर कांच पर पटक दिया। वहीं भारी हंगामे के बाद आरोपी मरीज युवक मौके से फरार हो गया, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजनों को पुलिस को सौंप दिया है। 8:15 बजे करीब एक व्यक्ति को उसके परिजन 8-10 लोग साथ में लेके आए थे, जिसके द्वारा अस्पताल में हंगामा किया गया, काफी देर तक हंगामा किया गया और अस्पताल का कांच ही तोड़ा गया। दंतेवाड़ा में आज आदिवासी समाज के लोगों ने बड़े आंदोलन का पहला कदम उठाया है। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले से बड़ी संख्या में आदिवासी आज दंतेवाड़ा में स्थित माई दंतेश्वरी के मंदिर प्रांगण में एकत्र हुए, जहां आदिवासी समाज युवा प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन सिंह और अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य गणेश सिंह ने कहा कि 32% आरक्षण बिल जो राज्यपाल के पास लंबित है उसे जल्दी स्वीकृत करने की मांग के साथ सभी आदिवासी माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर पैदल रायपुर के लिए रवाना हो गए और अपने मांगों को लेकर राज्यपाल भवन का घेराव करेंगे। पहले भी हम लोगों ने 32% आरक्षण के संबंध में राजभवन का घेराव किया था रायपुर में। हम लोग वहीं धरना स्थल से राजभवन घेराव करने के लिए निकले थे और महामहिम जी से मुलाकात करके हम ये चाहते थे कि वो 32% आरक्षण में जल्दी, जो संशोधन विधेयक उनके पास लंबित है, वो जल्दी उसको हस्ताक्षर करके अनुमोदन करके भेज दें। बलौदाबाजार जिले के 13 खिलाड़ी 17वीं राज्य स्तरीय टूर्नामेंट बिलासपुर में शामिल हुए। ये टूर्नामेंट 31 जनवरी तक प्राकृतिक स्पोर्ट भवन में कराया जाएगा। बलौदाबाजार से कोच रवि कोसले के नेतृत्व में राज्य स्तरीय 13 खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो टूर्नामेंट में भाग लिया। महिला कोच के रूप में आकांक्षा गायकवाड़ मौजूद रही। शिवपुरी में सीआरपीएफ के जवान के पार्थिव शरीर को उनके गांव मनपुरा लाया गया, जहां गांव सहित आसपास से आए हजारों लोगों ने शहीद जवान को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। मुक्तिधाम पर सीआरपीएफ जवान की टुकड़ी ने शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया। बाद में 2.5 साल के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूना में तैनात जवान का हार्ट अटैक की वजह से रविवार को निधन हो गया था। सीहोर के इच्छावर में आम आदमी पार्टी की ओर से कार्यकर्ता एवं नव वर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भगवत सिंह राजपूत ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को अपने गली मोहल्ले में लोगों को आम आदमी पार्टी की विचारधारा समझाना पड़ेगा। आगे उन्होंने बताया, बीजेपी और कांग्रेस पर युवाओं को रोजगार देने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रही है। कटनी जिले के रहवासियों को एक बार फिर कर्नाटक में बंधक बना लिया गया। रोजगार की तलाश में निकले बच्चे समेत 28 लोगों को ऊंचा दाम देने का आश्वासन देकर पहले तो महाराष्ट्र गन्ने की कटाई के लिए ले जाया गया, फिर दूसरे दलाल के चक्कर में फंसकर सभी मजदूर कर्नाटक पहुंच गए, जहां 12 घंटे काम करने के बाद खाना और मजदूरी मांगने पर मारपीट की जाती थी। मजदूरों ने पूरे घटनाक्रम पर एक वीडियो बनाकर विधायक प्रणय पांडे और कलेक्टर अवि प्रसाद को भेज दिया। इसके बाद सभी की सकुशल वापसी कराई गई। बोला कि सब या स्टाम्प पे लिखवाया, उन्हें स्टाम्प लिया, बोला यहाँ से सब कुछ है, सब ओके है, यहाँ जाओगे आपको 400 रुपये दिन का मिलेगा, खाना मिलेगा, कोई व्यवस्था, पूरी सारी व्यवस्थाएं वहाँ जाके, ये व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं। डिंडौरी के जल जीवन मिशन योजना में काम कर रहे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके बाद ये ठेकेदार प्रदेश में 1 साल तक कहीं भी ठेकेदारी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ ठेकेदार के समय से कार्य पूरा ना करने के चलते उनका अनुबंध भी निरस्त कर दिया गया है। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों को जल जीवन मिशन योजना से पानी के लिए कुछ महीने और इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए, ब्लैकलिस्ट अलग चीज होती है और एक अनुबंध निरस्त करना होता है।
जी सर। तो हम लोगों ने अभी तक 12 अनुबंध निरस्त किए हैं, जिससे मैं इस जिले में लीडरशिप कर रहा हूँ। और हमारे 3 ठेकेदार ऐसे हैं जो ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं, उसमें से एक सुशील मिश्रा हैं, वो ब्लैक लिस्ट हो गए हैं। और 2 अन्य जो ठेकेदार हैं, एक मंडला से ब्लैक लिस्ट हुए हैं और एक इंडोरी से मेट्रो टर्न करके भोपाल का एक। मंदसौर में किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष बद्रीलाल धाकड़ के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसी के अलावा किसान कांग्रेस टीम के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण कर जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान बद्रीलाल धाकड़ ने बताया कि शिवराज सरकार में फसल बीमा, फसल मुआवजा, खाद जैसी कई समस्याओं से किसानों को जूझना पड़ रहा है। यदि सरकार नहीं जागी और इन मुद्दों का समाधान नहीं निकाला तो कांग्रेस के बैनर तले और किसान कांग्रेस और किसान कांग्रेस के समस्त संगठनों के माध्यम से हम कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद करेंगे, हम किसानों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा उग्र आंदोलन खड़े करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है और आज शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाने का उद्देश्य भी यही था। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका सारसर एक दिवसीय प्रवास लोरमी पहुंची, जहां उन्होंने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने आने वाले चुनाव को लेकर युवाओं को अहम टिप्स दिए और साथ ही बूथ स्तर पर मजबूती से काम करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित भी किया। बलरामपुर में ग्रामीण वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकॉम ने शिरकत की, जहां उन्होंने विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि फाइनल मैच रायपुर और प्रयागराज के बीच खेला गया, जिसमें रायपुर की टीम ने जीत दर्ज की। वहीं इस प्रतियोगिता के दौरान लोगों की काफी भीड़ भी देखी गई। वॉलीबॉल प्रतियोगिता बहुत ही अच्छा खेल देखने को मिला, बाहर से भी लोग आए, ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग इसमें खेले, प्रतिभा देखने को मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की जागृति क्लब इस प्रकार की मैच कराते रहे। बस्तर में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत विधायक लखेश्वर बघेल ने भिरेंडा गांव को महत्वपूर्ण सौगात दी। उन्होंने दोनों पारा के लिए प्रमुख सड़कों के लिए 100 और 180 मीटर की सीसी रोड की घोषणा की है। इसके बाद ग्रामीणों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत कांग्रेस विधायक 20 किलोमीटर चलकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। सरगुना में छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव के दूसरे दिन भारतीय शास्त्रीय नृत्य विद्या के अंतर्गत भरतनाट्यम और कथक नृत्य की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां सृष्टि भदौरिया ने शानदार प्रदर्शन कर पहला स्थान हासिल किया है। इसी के अलावा सृष्टि भदौरिया ने क्विज प्रतियोगिता में भी पहला स्थान हासिल किया है। फिलहाल मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहें माई भारत न्यूज। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल, जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।